सो गाइज आज हमें ना यहाँ पे दोबारा से आ चुके हैं। आज कोई माइनक्राफ्ट का गेम प्ले नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं आपको है ना अपना हाउस टूर देने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा नया घर बना है उसका हम हाउस टूर कराने वाले, जो कि आपको पता होगा मैं लास्ट एक मंथ से इनएक्टिव था, तो वो इसी में सारा का सारा प्रोसेस गया था, तो आपको दिखाने वाला। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई आपका हाउस दिखाओ कैसा आपने बिल्ड करवाया है, तो वैसे ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ना आसपास के जगह से। तो आपको पता होगा अभी ना वीट का सीज़न है, सॉरी वीट का नहीं, राइस का सीज़न है, मतलब सब लोग धान उगा रहे हैं, धान यानी चावल। तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी खेती हुई पड़ी है, अभी उगाया नहीं है किसी ने, अभी बीए ही गिरे, बीए होने के बाद वो तैयार करते, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। तो देख सकते हो यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट होता है, ये जो लकड़ी का हमने घेर मतलब करके रखा हो यहाँ पे, मतलब ये हमारा एरिया है, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। तो ये हमने क्यों किया है बहुत लोग सोचेंगे, तो गाँव में आपको पता है वेजिटेबल उगाते हैं, तो ये मैंने रखा है कि यहाँ पर हम वेजिटेबल उगाएंगे, तो जो है ना बेल टाइप होते ना तो वो ऊपर चढ़ते वेजिटेबल, तो उसके लिए है। तो यहाँ से है ना किसी और का ये मत समझना ये सब हमारा है, वो जहाँ से ईंटे वो किसी और का है। और यहाँ पे मेरे भाई ने ना गुआवा मतलब उगाया है, जिसको पेरू भी कहते हैं या फिर अमरूद बोलते हैं, तो पता नहीं उसने क्यों उगाया, उसकी इच्छा थी तो उसने उगा दिया। और यहाँ पे देख सकते हो ये पेड़ पड़े हुए, यहाँ पे एक दो पेड़ थे उसको गिराया गया है, क्योंकि वो हाउस के बीच में आ रहे थे तो डेंजरस हो सकते थे, बारिश तूफान आती तो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स भी उगा के रखा है, काफ़ी अच्छा खासा एरिया है यहाँ पे, तो हम बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल, मुझे फार्मिंग पसंद है सच बोलूँ ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि मिर्ची के पौधे अलग अलग उगाने का। और देख सकते हो ये हमारा सामने वाला हाउस है, वो मेरा ब्रदर जा रहा है तो उसको जाने देते हैं, मैं आपको अपना हाउस टूर कंप्लीट देता हूँ। मतलब मैंने आपको जैसे बताया हमने खाली एक रूम बनाया और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको हमारी सिचुएशन पता थी, तो मतलब मोस्ट ऑफ को तो पता ही होगी, मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना के आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए हमने ज़्यादा बड़ा बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक काम चालू हमने किया वो तो अच्छा है कि बहुत सारे विलेज के लोगों ने हमारा हेल्प किया था, तो ये इजीली हो पाया, और थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मनी का भी इशू था, लेकिन फाइनली हो गया। देख सकते हो इन लोगों ने ना काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब लौकी या फिर पम्पकिन बहुत कुछ उगा के रखा है, तो वैसे ही हम लोग उगाने वाले हैं, क्योंकि गाँव में और फार्मिंग ना करें भाई कैसे चल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे घर के पीछे ही ये हमारे किसी रिलेटिव ने उगा के रखा है, तो ये है ना बिया है, अभी रेडी नहीं है, आपको लग रहा होगा तैयार है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो पता, तो ये बिया है, इसको उखाड़ के दूसरे खेत में है ना ट्रांसफ़र करते तब उगता है, एक खेत में नहीं उगता, तो कुछ इस टाइप का है। और मैं ये हमारा एंट्रेंस देख सकते हो, ये दरवाज़ा ये जो भी है ये करकट लगा के रखा है, और ये जो हमारा ऊपर पाइप था ना किसी और ने दिया था, वो भी बाय नहीं किया हमने, लोगों ने हेल्प किया जैसे कि मैंने बताया। और ये हमारा नॉर्मल सामान किताब विताब है जिसमें मैं कंटेंट या कुछ कुछ लिखता हूँ। और हमारा मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने बारिश से बचने के लिए, वैसे अंदर पानी नहीं आता बट फिर भी सेफ्टी के लिए रखा है, ये हमारा पीसी। और ये साइड हमारा बाकी सामान, आधा सामान तो अभी हम लेके ही नहीं आए क्योंकि अभी देख सकते हो बहुत कम सामान है, तो आधा सामान किसी और के घर पर है और आधा सामान तो मामा के घर पर, मतलब ये है ना लगभग 30% सामान है, 70% हमने कहीं और रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम सब नहीं ला सकते, इसलिए कहीं जहाँ पे वे सेफ़ है सही है, तो लेके यहाँ पे आना सही नहीं लग रहा मुझे, बेकार में क्यों लाऊंगा, वैसे भी एरिया कम है, तो फिलहाल के लिए हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो जैसे सिचुएशन थे उसके हिसाब से तो काफ़ी सही है, इसलिए है ना मैं लगभग एक डेढ़ मंथ इनएक्टिव था, क्योंकि मतलब जैसे कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, टाइम नहीं मिल रहा था, ये बिल्ड करना था, और इससे ना ये करके मुझे इतना एक्सपीरियंस होगा कि अभी तो मुझे सब पता चलेगा कि किसका कितना रेट है, ये बालू गिट्टी सीमेंट या फिर रॉड इस सब का मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया, कौन कितने का है कितना लगेगा, इतना मुझे नॉलेज हो गया, इतना टाइम मैंने एक महीना इसमें पूरा का पूरा लगाया। और इसमें ना कुछ सपोर्ट आप लोगों का भी है, मैं आपको एक और बार शाउट आउट दे दूँ, मैंने ऑलरेडी दे के रखा बट इन लोगों को शाउट आउट, इन लोगों ने जो मेरे को हेल्प किया था आप सबका है ना मनी भी हमारे हाउस में लगा, क्योंकि आप सब ने थोड़ा बहुत 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ जितना भी आपको ने हो सका आपने दिया है, तो उसके लिए आपका बिग शाउट आउट। मैंने आपको UPI ID मैंने दिया था, उसी पर आप लोगों ने पे किया गूगल पे का, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था लास्ट टाइम, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। तो ये हमारा हाउस टूल था, और अभी ना माइनक्राफ्ट का वीडियो रेगुलर आएगी, फिलहाल थोड़ा सा टाइम होगा क्योंकि अभी लाइट का कनेक्शन नहीं लिया हमने, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर जैसे वो कनेक्शन लग जाएगा उसके बाद हम PC पे मस्त खेलेंगे, पोजावा लॉन्चर खेलेंगे, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलेंगे। तो अभी ना कुछ दिन इशू होगा बट ज़्यादा दिन नहीं होगा, तो आप थोड़ा बहुत और वेट कर लेना, मतलब 3-4 दिन और लगेगा, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा 3-4 दिन में लगा देंगे। अभी हमारे हाउस में आपने देखा होगा कि एक भी वायर कनेक्शन नहीं है, बोर्ड नहीं है, पंखे नहीं है, तो लगाने में कुछ दिन लगेगा, तो थोड़ा बहुत और थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 3 दिन और, लेकिन फिर भी मोबाइल कंटेंट आपके लिए मैं जरूर लेके आऊँगा। पोजा लॉन्चर में तो बहुत कमाल के अपडेट आ रहे हैं, वो भी आपको जल्दी देखने मिलेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ही कर देना।